केंद्रीय विद्यालय के लाखों बच्चों को कल रिलीफ मिल चुका है क्योंकि वहां से ये खबर आ चुकी है कि अब होंगे उनके ऑनलाइन एग्जाम्स। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर सुनेंगे बाकी लाखों बच्चों की बातें और करेंगे उन सभी का ऑनलाइन एग्जाम। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर विशाल कुमार जायसवाल। गाइस एक बड़ी खबर है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो चुके हैं, मैंने आपको अपडेट दे दिया है। केंद्रीय विद्यालय के लाखों बच्चे क्लास 9-11 के, उनके ऑनलाइन एग्जाम्स की घोषणा हो चुकी है। ऑनलाइन एग्जाम देंगे वो लाखों बच्चे और अगर किसी को इश्यूज हो तो वो ऑफलाइन मोड पर जा सकते हैं। लेकिन अब इससे बड़ी एक और खबर है कि आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल लाइव होने वाले हैं सहोदय, जो उनके हजारों 1000 से ज़्यादा जो उनके अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके सचिव जो हैं, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जुड़ने वाले हैं, लाइव सेशन करने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि आप सभी को पता होगा बेटा कि कुछ ही दिन पहले लाइव सेशन में जुड़े हुए थे शिक्षा मंत्री केवी के ही स्टूडेंट्स के साथ में, और उसके बाद में अब ये अपडेट निकल करके आया। आज जो लाइव सेशन होने वाला है, जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष जो हैं, उनके सेक्रेटरीज जो हैं, उनके साथ में जो बात होने वाली है, हालांकि वो बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कल की घटना, केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन एग्जाम्स की घटना के बाद में, कि क्या कुछ आज ऐसा निकल करके आएगा कि लाखों बच्चे जो 9-11 के पेरेंट्स, उनके टीचर्स डिमांड कर रहे हैं कि इन एग्जाम्स को एटलीस्ट क्लास 9-11 के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को ऑनलाइन किया जा सकता है। क्लास 9 और 10 वाले सभी बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप सभी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन, एनटीएससी और ओलंपियाड्स की, तो अब आप भी अपने तैयारियों को दे सकते हैं एक नई स्पीड, एक नया जोश, क्योंकि अन अकेडमी आपके लिए लाया है 31 जनवरी को इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर फाउंडेशन, एनटीएससी एंड ओलंपियाड्स। बच्चों ये एक बिल्कुल फ्री फॉर ऑल टेस्ट है आप सभी क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो होने जा रहा है 31 जनवरी को। तो बच्चों इस फ्री फॉर ऑल स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिए और चेक कीजिए फाउंडेशन, एनटीएससी और ओलंपियाड्स के लिए अपने प्रिपरेशन को, अपने स्पीड को। ना सिर्फ इतना, आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस भी। सो स्टूडेंट्स, शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड लेट्स सी हु क्लेम्स द टॉप 20 स्पॉट्स एंड बिकम्स अ प्रोडिगी। Exciting prizes to be won. Enroll now. For more details, go to the link in description. तो बड़ी अपडेट निकल करके आ सकती है। आज 2 बजे वो लाइव होंगे और हम आपको देंगे पल पल की खबर, बताएंगे आपको वो सारा कुछ कि क्या करना है। वैसे जो ऑफिशियल्स की तरफ से निकल करके आया है, सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से और शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स से जो हमने कनेक्ट करने का कोशिश किया और जो उनसे बातें निकल करके आई, उसमें अभी बात निकला है कि मेनली जो मुद्दा है वो आज होगा इन जो 1000 से भी ज्यादा, ये जो जिनके साथ में जुड़ेंगे सचिव और सहोदय जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के जो अध्यक्ष हैं 1000 से भी ज़्यादा, उनके साथ में जब शिक्षा मंत्री जुड़ेंगे तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है, ठीक है, और स्कूल की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो क्या चेंजेस किया जा रहा है या क्या किया जाना है, उस पर बातें होंगी। लेकिन शायद इस पर भी कुछ बातें निकल कर के आएँ क्योंकि डिमांड हर जगह है, ऑनलाइन एग्जाम्स का डिमांड हर जगह है और एक आग पकड़ा है ऑनलाइन एग्जाम्स ने दोबारा से केंद्रीय विद्यालयों के ऑनलाइन एग्जाम्स होने के बाद में। तो गाइज यहां पे बड़ी अपडेट है, आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ में और एकदम मिस नहीं करना है, बिकॉज आप कोई भी एक पॉइंट मिस करेंगे तो शायद बड़ी मिस हो जाएगी, चीजें निकल जाएंगी आपके पास से, ठीक है। आप लोगों को इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा शामिल होना है। हमारी टीम हमारे चैनल की टीम लगातार, मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया है कि बिना शोर मचाए हम लगातार अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, मेल्स, ट्वीट्स, एवरीथिंग हमारी टीम लगातार कर रही है और ये आप सभी को बहुत पहले से पता है। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो हमारी इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। बेटा आप लोग तुरंत हमारे ट्विटर हैंडल को आप जुड़ जाइए, ठीक है, @vishalaryav में आप जुड़ सकते हैं मुझसे, हमारे चैनल से, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम
लगातार कोशिश कर रहे हैं बेटा कि ऑनलाइन एग्जाम्स की बात उठाई जाए, और जहां तक क्लास 10 12 का बात है आज हमें वो भी उठाना है बेटा आप सब लोगों को मिलकर के। क्या करना है, हमें करना है फिर से एक बार ट्वीट, क्योंकि वो लाइव पे होंगे ट्विटर पे और फेसबुक पे, तो हमें ट्वीट करना है। मेल मेरी टीम कर रही है, अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो भी इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है आप सभी के लिए। तो इंटरनल असेसमेंट हमें चाहिए, मार्किंग स्कीम हमें चाहिए, स्पेशल मार्किंग स्कीम क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और जहां तक 9 11 है ऑनलाइन एग्जाम्स जैसे कि केवी के स्टूडेंट्स का हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री के कानों तक हमारी बात पहुंचेगी, सीबीएसई कुछ एक्शन लेगा, शिक्षा मंत्रालय कुछ एक्शन लेगा, और सभी बच्चों के हित में, चाहे वो क्लास 9 के हों, 10 11 12, मैं शुरू से लड़ रहा हूं इन चारों क्लासेस के लिए, सो दैट कि चारों को न्याय मिले। नीड अलग अलग है, क्लास 9 11 का नीड है ऑनलाइन एग्जाम, क्लास 10 और 12 को कह दिया गया है कि उनका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उनको एटलीस्ट दिया जा सकता है रिलीफ दो तरीकों से। पहला, मार्किंग स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि इस सेशन में हुआ था पिछले सेशन में। ठीक है, साथ ही साथ में उनके क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा अगर इजी बना दिया जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगा। तो गाइज आज बने रहना है, ठीक है, 2 बजे आएंगे शिक्षा मंत्री लाइव और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे, और आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ में। अभी इस वीडियो में इतना ही अपडेट हम आपको देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज स्टे काम सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद जय भारत। Thank you.